हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो अभी जो है बिल्कुल सुबह का टाइम है, यानी कि 5:30 बज गए और अभी बिल्कुल मतलब कि अंधेरा है थोड़ा बहुत। और बस अभी हम ही उठे हैं और बच्चों को भी हम थोड़ी देर में उठाएँगे क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम है। तो बस अभी थोड़ा बहुत और वो सो लेंगे, उसके बाद में फिर मैं उठाऊँगी। तब तक जो है अभी मैं मतलब कि झाड़ू पोछा कर लूँगी। पोछा तो नहीं लगाऊंगी लेकिन झाड़ू ज़रूर मैं लगा के मतलब कि इधर और बाहर दोनों तरफ निकाल दूंगी। और उस कमरे का अभी जो है मैं थोड़ी देर में करूंगी क्योंकि अभी वहाँ पर जो है सब लोग सो रहे हैं और इसलिए जो है मैं सभी मतलब कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी उस कमरे में थोड़ी देर में लगाऊँगी। तो उसके बाद में फिर जो है मैंने झाड़ू लगा लिया था। फिर जो है मैं अभी यहाँ पर सब्ज़ी काट लेती हूँ थोड़ी सी। आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी क्योंकि अभी जो है सब्ज़ी मतलब कि ख़त्म हो गई थी और बस यही सब्ज़ी बची हुई थी। तो बस इसी को जो है मैं आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी आज बच्चों को मैं बना के दूँगी और इसके बाद में जो है मैं पराठे बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने 2-3 आलू काट लिए थे और थोड़ी सी मैंने पत्ता गोभी काटी है। और बस अभी जो है मैं यहाँ पर एक प्याज काट के और बस जो है मैं छौंक दूँगी। और मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी भी बचा के रखी हुई है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता ही बनाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं दोबारा से मैं खाना बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी छौंक दी है। वही मसाले डाले, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने डाला नहीं है। बस टमाटर को जो है मैंने बाद में डाला है। टमाटर इसलिए मैंने बाद में डाले क्योंकि मैं इसमें पानी नहीं डाल रही, इसलिए मैंने मतलब कि थोड़ी सी सब्ज़ी बन गई थी और उसके बाद में मैंने बीच में टमाटर डाल दिए बस। और इसका जो है टमाटर का थोड़ा बहुत जो पानी होगा उससे जो है गीली हो जाएगी सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी हरी धनिया डाल के और बस सब्ज़ी जो बन के तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बच्चों के लिए अभी पराठे सेक देती हूँ। और उसके बाद में जो बच्चे उठ गए थे, मैंने बीच में उनको उठा दिया था तो बस वो भी उठ गए थे। और बस अभी जो है तैयार हो रहे हैं बच्चे, तब तक जो है मैं यहाँ पर पराठे में सेक देती हूँ और सेकने के बाद जो है मैं ठंडे करके रखूँगी। तो पतिदेव बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो भी उठ गए हैं। बस अभी जो है मैं जल्दी से ये मैं काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मिल रही हूँ बहुत देर के बाद, यानी कि मैंने पूरा खाना वाना बना लिया था और सबने खा लिया, हस्बैंड भी खा के चले गए। और बस अभी जो है मैं अपने काम में लगूंगी। तो आज जो है मैं मतलब कि घर की थोड़ी साफ़ सफाई करूंगी। कई दिन हो गए मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी, यानी कि जाला वाला लग गया था बस, वो नहीं छुटाया था। वैसे तो खैर घर की सफाई रोज ही होती है, झाड़ू पोछा ये सब, घर में झाड़ू वाड़ू निकालते हैं तो उसका जो है मतलब कि अलमारियों में कई जगह मतलब कि धूल हो जाती है। और इसलिए मैंने सोचा जो है आज मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई बस यही कर लूँगी। बाकी तो खैर मैं रोज़ करती रहती हूँ, इतना खैर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फिर भी मैंने सोचा आज मैं कर लेती हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर साफ़ सफाई मैं टेबल पे कर रही हूँ तो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं बैठ के। तो अभी तो नहीं, बच्चे आ जाएंगे तो मेरी पूरी टेबल गिर जाती है यहाँ पर। तो इसीलिए जो है मैंने बच्चे आएंगे थोड़ी देर में, इससे पहले जो है मैंने साफ़ सफाई कर दी। तो बस अभी जो है वो साफ़ हो गई थी। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन काउंटर को सफाई और बस गैस वैस मैंने साफ़ कर दिया। तो यहाँ पर इसको भी जो है मैं साफ़ कर लूँगी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है खाना बनता है तो चिकना ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए मैं इसको जो है मैं साबुन से धो दिया था। और अब जो है मैं धो रही हूँ बर्तन। आज बर्तनों का तो सुबह सुबह रोज़ ही इतना ढेर लग जाता है तो आप समझ सकते होंगे दो बार खाना बनता है तो खाने में तो बर्तन मतलब कि ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो काम करते करते भी खैर मुझे टाइम हो जाता है, 12-1 बज जाता है मुझे काम करते करते, मतलब कि पूरा काम मैं ख़त्म कर पाती हूँ 12 बजे करीबन 1 बज जाता है कभी कभार। तो अभी चलिए जो है मैं साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं किचन की सफाई पहले मैं कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी दूसरे वाले कमरे में। तो मैं सबसे पहले जो है मैं जाले वाले निकाल देती हूँ और उसके बाद में फिर जो है मैं पोछा वगैरह इस कमरे में लगाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन तो मैंने 10-15 दिन पहले ही मैंने धो के रखे हुए थे और डिब्बे वगैरह स्टील के डिब्बे हैं वो भी। तो अभी बस जो है मैं जाले निकालूंगी और उसके बाद में फिर जो है मैं पोछा ओछा लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं ये सॉस की बोतल थी तो इसको जो है मैंने पहले
इसमें मैंने एक बेल डाल के रख दी थी, तो यहाँ किचन में रख दी थी। तो किचन में क्या है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा अभी थी पहले, तो बस इसलिए वो है ना सूख गया था, इसलिए फिर मैंने वहाँ से उतार भी नहीं पाई थी। तो बस आज जो है इसको मैं पहले उतार लूँगी और धो के फिर से इसमें पानी भर के और इसमें कुछ बेल डाल दूँगी, तो यहाँ पर जो है एकदम गुलदस्ते जैसा लगने लगता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। तो बस अभी जो है मैं इसको बेल डाल के और एकदम से देख लीजिए कितना सुंदर लगता है, और सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये छोटे मोटे काम करती रहती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अभी जो मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ भी पहले ही मैंने यहाँ रखा हुआ था, तो गर्मी की वजह से बस वो सूख गया था। तो उसके बाद मैं फिर आ गई हूँ मैं ये अपने बेडरूम में, तो यहाँ पर बेडरूम की जो है मैं साफ़ सफाई अभी कर लूँगी, और मैंने इस तरफ की कर दी थी मंदिर की तरफ, और अभी जो है मैं यहाँ पर तो सामान भी इधर ही ज़्यादा है, उस तरफ को कुछ भी है नहीं ज़्यादा। तो बस अभी जो दीवार की थी तो मैंने मतलब कि जाली निकालने की थी, तो बस जाली निकाल ली, और अब जो है मैं यहाँ पर ये कूलर वगैरह रखा हुआ है, इस पर धूल मिट्टी हो गई, तो सबसे पहले इसको जो है मैं एक कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे तो खैर कुछ ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो बस अभी जो है इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और अभी जो है यहाँ कूलर के मेरे हालत देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। बस अभी जो है ये चलता है इसलिए मैं इसको हटा नहीं रही हूँ, और अभी बारिश का मौसम है तो कभी कभार जो है धूप निकल जाती, गर्मी हो जाती है, तो इसलिए जो हस्बैंड हटाने नहीं देते, बोले अभी रखा रहने दो, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो है मेरी कुर्ती पूरी ये ख़राब हो गई थी, यानी कि इसमें पूरे में जंग लग गई थी, बेकार हो गई मेरी पूरी कुर्ती। तो यहाँ पर जो है मैंने साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत कर ली, और बस अभी इसको जो है खिड़की की पर्दा थी तो उसको मैंने निकाल दी बस धोने के लिए, तो अभी जो है मैं उसको भी मैं धो के डाल दूँगी। तो ये कमरे जो हैं बहुत छोटे छोटे कमरे मेरे, और यहाँ पर जो है मैं इस कमरे में, उस कमरे में तो मैंने किचन बना रही, और इस कमरे में मैंने सोने के लिए ये बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैंने सामान कुछ इस तरीके से सेट किया है, बस जगह जैसी है वैसे ही मैंने सेट कर दिया है सामान को भी। तो ये बोतल को भी अच्छे से साफ करके और इसमें पानी भर के, तो वो वाली बेल है बस उसको जो मैं इसमें भी डाल दूँगी, तो इसको भी जो मैं वहीं पर रख दूँगी डीजे के पास में, तो ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको यहाँ भी रखी और उस कमरे में भी मैंने रख दी। तो चलिए अभी जो है मेरा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं आपसे एक विनती करूँ या रिक्वेस्ट कुछ भी समझो, आप हमारे मेरे वीडियो में आपको कोई कमी लगती हो तो प्लीज़ अपनी छोटी बहन बेटी समझ के हमें माफ़ कीजिएगा। कोई बोलने में गलती हो जाए या फिर कोई वीडियो में कोई गलती दिखे तो आप हमें ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो है मैंने साफ़ सफाई कर ली और मतलब कि पोछा ओछा पूरा लगा लिया था यहाँ भी वहाँ भी, तो बस अभी जो है मेरा काम हो गया पूरा। और ये मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर इसका मैंने जो बनाया था गुलदस्ता ही समझ लिए, मैं इसको गुलदस्ता ही बोलती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी जो मैं अपना वीडियो का भी एंड करती हूँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा।